धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने आखिरकार आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया है। खास बात यह रही है कि जब से धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तब से श्रीकला रेड्डी लगातार शांति बनाए हुए थे, ना मीडिया के सामने आ रही थी। सिर्फ उनका एक पोस्ट था कि जनता हमारे साथ है, आप सब शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके बाद वो लगातार विलुप्त सी हो गई थी, अटकलें यह लगाई जा रही थी कि शायद वो चुनाव मैदान में ना आए। लेकिन उसके बाद आज श्रीकला सिंह रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए बाकायदा यह कहा कि जौनपुर की परिवार हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के लिए हमें चुनाव मैदान में आना ही है। और उन्होंने कहा कि अगर पूर्व बाहुबली सांसद यानी धनंजय सिंह 24 अप्रैल को न्यायपालिका अगर उनको रिहा कर देती है तब तो वो चुनाव मैदान में आएंगे। अगर वो चुनाव मैदान में नहीं आते हैं तो इतना बड़ा परिवार है, परिवार से पूछ कर निर्णय जरूर लिया जाएगा। इसके बाद पत्रकारों से जवाब लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, हाँ इसका निर्णय भी बहुत जल्द लेकर आप सभी को बता दूंगी। मैं बताता चलूं कि पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह इस समय जेल में हैं और हाई कोर्ट ने उनकी अगली तारीख जो है वो 24 अप्रैल को रखा है, तारीखें थी उस पर उनकी ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया था। हालांकि अगर 24 अप्रैल को धनंजय सिंह की रिहाई नहीं होती है तो शायद उनका जो चुनाव लड़ना है वो लगभग उम्मीदें उसकी खत्म हो जाएंगी। लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, बहुत बड़े राजनीतिक पार्टियां और बहुत बड़े घराने से वो संपर्क रखती हैं जिससे उनको इन सब सारी चीज़ों का अभ्यास तो है, लेकिन जौनपुर की जनता क्या श्रीकला सिंह रेड्डी को उतना अप्रेम देगी जो उनका धनंजय सिंह के साथ लगाव रहता है। हालांकि चाहे जिस वर्ग के लोग हों, धनंजय सिंह के साथ लगभग हर वर्ग के तमगे का उनके वोट है, चाहे वो बात की जाए यादव समाज हो, चाहे छत्री समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, उनके पास लगभग सभी समाज का वोट बैंक है। ये श्रीकला सिंह रेड्डी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी छत्री हैं, वो भी ठाकुर समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत पेंच है ये भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर श्रीकला सिंह रेड्डी चुनाव मैदान में आती हैं, और खास बात यह है कि इस पार्टी से आती हैं, समाजवादी पार्टी ने अभी भी अपनी कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, यानी कि गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने तो कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या हालांकि अगर श्रीकला सिंह रेड्डी आती हैं, जो कि लगभग 90% चांस है कि शायद श्रीकला सिंह रेड्डी ही चुनाव मैदान में आए गठबंधन की तरफ से, लेकिन गठबंधन इसका कई पार्टियां और कई ऐसे नेता हैं जो भीतरी कला भी हो जाएगी, भीतरी विरोध की खबरें भी आ रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद ये नहीं चाहते हैं कि श्रीकला सिंह रेड्डी टिकट पाए। वो भीतरी कला से क्या समाजवादी पार्टी निकल पाएगी, इन सभी जानकारियों के लिए, इन सभी खबरों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैं आपके बीच आता रहूं।